Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज की ये पत्रकार वार्ता जब मैं कर रहा हूँ, मन बहुत दुखी है, पीड़ित है, क्षुब्ध है इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश में आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी नृशंस हत्या, लखीमपुर का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, पंडरौना का कांड हुआ और ये हाथरस का कांड हुआ, और जो कुछ भी कल घटित हुआ उसके बाद मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि ये घटना में दरिंदों को बचाने का काम किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मैं इसको साफ तौर पे कहना चाहूंगा और इसकी सिलसिलेवार कहानी है। 14 सितंबर को एक दलित गरीब बेटी के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक गैंगरेप होता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट ली गई, दरिंदगी की, वहशीपन की, हैवानियत की पराकाष्ठा, अस्पताल में मरणासन्न हालात में भर्ती कराई गई, ये सोचकर कि ये तो मर जाएगी, उन अपराधियों ने उसे छोड़ दिया। 8 दिन तक रेप का मुकदमा नहीं लिखा गया। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, योगी जी के संरक्षण में सब कुछ हुआ, क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा, फिर दोहरा रहा हूं, उसको अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, ठीक से उसको इलाज नहीं दिया गया, 8 दिन के बाद उसकी एफआईआर बढ़ाई गई, जब 28 तारीख को बिल्कुल मरने की अवस्था में पहुंच गई तो उसको एम्स ले जाने की औपचारिकता पूरी गई, एम्स में बेड खाली थी, बावजूद इसके उसको बेड नहीं दिया गया, उसको एक दलित की बेटी को एम्स अस्पताल में, मोदी जी के हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, सफदरजंग में उसको इलाज के लिए रखा गया जहां पर उसकी मौत हो जाती है, और मौत के बाद जिस तरह का तांडव उत्तर प्रदेश के योगी जी की पुलिस ने किया, हमारे एक दलित समाज के विधायक आज अजय दत्त ने जब उस सौ जबरन ले जा रहे थे, पूछा ये सौ जबरन क्यों ले जा रहे हो, उसको मारा पीटा, उसके साथ हाथापाई की, और उसके बाद परिवार की मर्जी के बगैर जबरन उसका दाह संस्कार कर दिया गया। एक वीडियो दिखाई जा रही है कि भाई ने तो उसको आहुति दी थी, भाई ने तो उसमें लकड़ी डाली थी जब दाह संस्कार हो रहा था, अरे मुखाग्नि किसने दी, परिवार तो कह रहा था हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद मेरा आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि ये क्यों किया गया, क्या कारण था इसके पीछे। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, योगी जी बताइए, आपका एक पुलिस अधिकारी ये पुलिस का अधिकारी कह रहा है कुछ गलतियां हुई हैं, आप लोगों से इसको स्वीकार करना चाहिए। योगी जी क्या गलती हुई उस बेटी से, ये गलती हुई कि उसका बलात्कार हुआ, ये गलती हुई कि उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, ये गलती हुई कि उसकी जीभ काट दी गई, ये गलती हुई कि 8 दिन तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये गलती हुई कि उसको ठीक से इलाज नहीं मिला, ये गलती हुई कि उसने दम तोड़ दिया अस्पताल में, और आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा एक एक आदमी कह रहा है कि उन दरिंदों को बचाने का काम आपने इसलिए किया कि वे जाति विशेष से, ठाकुर जाति से आते हैं, इसलिए आपने,
और ये शर्मिंदगी की बात है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, कि दरिंदगी में आप जाति खोजते हैं, अपराध में आप जाति खोजते हैं, बलात्कार की घटना में आप जाति खोजते हैं। बंद कीजिए सब। उत्तर प्रदेश की देश की बेटियां आपसे न्याय मांग रही है, उनके साथ ऐसी क्रूरता, ऐसी हैवानियत, ऐसा पैसे पर हुआ, और उसके बाद आपका अधिकारी कह रहा है आप लोगों से कुछ गलतियां हुई हैं, स्वीकार कीजिए। आपका जिलाधिकारी कह रहा है जीप काटी गई या नहीं काटी गई, इसको जस्टिफाई कर रहा है। इस प्रशासन को चुल्लू भर पानी लेकर नाप रगड़ कर अपने चेहरे पर ताली ठोक देनी चाहिए। योगी जी, आपका राज जंगल राज नहीं बचा है, बहसी राज हो गया, बहसी राज। तो इसलिए एसआईटी बनाई गई। वो एसआईटी क्या योगी जी से पूछताछ करेगी? वो योगी जी से पूछेगी कि योगी जी आपने क्यों बचाया, क्यों 8 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, क्यों उस बच्ची को ठीक से इलाज नहीं मिला, क्यों जबरन वस्तु का दाह संस्कार किया गया, ये पूछेगी योगी जी से वो एसआईटी। चोर के खिलाफ जांच करने के लिए चोरों की टीम बन गई और वही चोर पूछताछ करेंगे। इससे न्याय नहीं हो सकता। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और वो परिवार जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। बहुत से लोग नाराज होते हैं, कहते हैं आप जाति पे टिप्पणी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे फांसी की भी सजा हो जाए उसकी चिंता नहीं, लेकिन सच बोलूंगा। और सच ये है कि योगी जी आप जाति के आधार पर अपराध और उसकी सजा तय कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध करे और 100 बार विरोध करेगी। और ऐसे दरिंदों को बचाने के लिए भी आप जाति खोल देते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही पीड़ादायक है और पूरे समाज को बदनाम करने की बात है। इस पूरे मामले में जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। और ऐसी सत्ता को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का योगी जी आपको नैतिक अधिकार नहीं है। आपने जो काम किया है उससे मानवता की हत्या हुई है, संविधान में लिखे हुए बराबरी के हक की हत्या हुई है, और उससे सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा है उसकी चिता जबरन आपके पुलिस के खाकी वर्दी के ढेर में जलाएंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.